नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड के बारे में। सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड में तो हमेशा ही अपडेट दे रहा हूं, अभी पिछले 4-5 दिन से तो लगातार ही अपडेट दे रहा हूं। जैसे देखेंगे 2 सितंबर की वीडियो, 4 सितंबर की वीडियो, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, यहाँ तक कि छुट्टी था तो भी हालांकि चार चार शेयर में कवर किया हूँ। और 5 तारीख को इसकी पर्सनल एक वीडियो बनाया था जब मार्केट ओपन था, और उसके बाद चार चार वाले वीडियो में इसको मैं कवर किया हूँ। एसएम लिस्ट से जब बाहर आया था वो मैं बताया था आप लोगों को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें तेजी क्यों हो रही है, तेजी के पीछे के कई सारे इसके कारण है, अपने कारण है, मार्केट के कारण है और सब कुछ है। देखेंगे, देखिए सबसे पहले तो इसका यही एक रिपोर्ट आई है एनुअल जनरल मीटिंग की, और इसको कवर किया हूँ पिछली वीडियो में भी। अब देखिए इसका 30 सितंबर 2024 मतलब आने वाले 30 तारीख को इसकी होने वाली है मंडे को एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम होने वाली है। एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है कि कुछ रेजुलेशन जो कंपनी के प्लान होते हैं आगे के, उसको कंपनी जो है अप्रूव करवाती है अपने शेयर होल्डर से, तो वोटिंग होता है और उसके बाद जो है कंपनी का कुछ अपना प्लान आगे का रिवील करती है कि क्या कर रही है कंपनी, क्या करना चाहती है कंपनी, कौन सा बिजनेस अच्छा चल रहा है, किधर फोकस ज़्यादा बढ़ रहा है किधर, इस तरह से अपना मोटा मोटी एक व्यू देती है कंपनी, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। उनके मैनेजमेंट से आप लोग सवाल जवाब कर सकते हो। तो सबसे पहले तो हम लोग को 30 सितंबर 2024 2 बजे PM पे याद रखना पड़ेगा कि इनका एजीएम का अपडेट आएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल माध्यम से होगा। उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग कब होगी, देखिए वोटिंग के लिए, इस बार होने के लिए आप लोगों को एक कट ऑफ डेट रखा गया है, उसको नोट करना पड़ेगा, जो है 23 सितंबर 2024। 23 सितंबर 2024 को अगर आप इनके शेयर होल्डर रहोगे तभी आप लोग इस वोटिंग में हिस्सा ले सकते हो या फिर एजीएम में भाग ले सकते हो। अब ये एक तरह का रिकॉर्ड डेट है, 23 सितंबर का मतलब हो गया कि इसके एक ट्रेडिंग सेशन पहले पहले तक आप लोगों को खरीदारी करना पड़ेगा। अब 23 सितंबर का अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके एक ट्रेडिंग सेशन पहले मतलब 22 और 21, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, तो 20 सितंबर 2024 खरीदारी करने का लास्ट डेट रहेगा। मतलब 20 सितंबर तक जो भी बंदा पहले खरीद के होल्ड करेगा या 20 सितंबर को खरीदारी करेगा वो 23 सितंबर को इसका शेयर होल्डर बन जाएगा और वो जो है इसके एजीएम में और वोटिंग में भाग लेगा। वोटिंग कब होगी, तो वोटिंग का डेट बताया गया कि 27 सितंबर 2024 9 AM से शुरू हो जाएगा, 9 बजे सुबह से 27 सितंबर को वोटिंग शुरू होगी, और संडे को 29 सितंबर 2024 5 PM शाम 5 बजे तक ये जो वोटिंग होने वाली है। वोटिंग का यहाँ पे मुद्दा तो नहीं लिखा गया है, लेकिन कई सारे यहाँ पे मुद्दा कंपनी के हैं जो कंपनी अपने मेन PDF में बताई होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे हम लोग, सिनकॉम फॉर्मुलेशन में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लगभग लगभग आपको दिखेगा 4 करोड़ 5 करोड़ इसमें जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। आज 4.3 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू 107 करोड़ रुपए आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 36% के 26% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। छोटी मोटी तेजी नहीं हुई है, 16% की तेजी हुई है। कितना, 16 साढ़े 16% की तेजी हुई है। अब ये तो एक खुशखबरी है कि 16% की तेजी हो गई, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक निगेटिव भी न्यूज आएगी, वो मैं आगे बताऊंगा। आज नंबर ऑफ लार्ज डील देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं, केवल 9 नंबर ऑफ लार्ज डील देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिली है, और ओपन करके अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2 करोड़ 1 करोड़ 1.5 करोड़ 80 लाख 50 लाख 1 करोड़ 1.25 करोड़, इस तरह से कई सारी लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए हम लोगों को मिली है, देख सकते हो आप लोग। देखिए अगर बात करेंगे इसके तेजी के बारे में तो तेजी तो चलिए हो रही है, लेकिन जो अभी मैं ये एक वीडियो बना के आप लोगों को बता रहा था ना कि ये एसएम क्लिक से बाहर आया था, ये वाला कहाँ गया बे, यहाँ पे ये एसएम क्लिक से बाहर आया, इस तरह से मैं वीडियो बनाया था ना 5 सितंबर से, देखिए ये 5 सितंबर से एसएम क्लिक से बाहर आया और तभी से इसमें तेजी भी देखने के लिए मिल रही है, तो यही इसका अब दिक्कत हो जाएगा। अब पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ चुका है और तेजी भी 25% से ज़्यादा हो चुकी है।
तो अब ये फिर से शॉर्ट टर्म के एसएम की लिस्ट में जाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है कि अगर 5 दिन के अंदर अंदर किसी स्टॉक में 25% की तेजी देखने के लिए मिल जाती है, 15 दिन वाला भी क्राइटेरिया होता है, 30 दिन वाला भी होता है, 90 दिन वाला होता है, 100 मतलब 1 साल वाला होता है, लेकिन फिलहाल में 5 दिन वाला क्राइटेरिया फिल कर रहा है। 5 दिन में 25% से ज़्यादा इसमें तेजी आ रही है, और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये जो है एसएम की लिस्ट में जा सकता है। हालांकि वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया तो फिल नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी वॉल्यूम उतना ही था, इसमें भी उतना ही है, तो वॉल्यूम में उतना कोई ज़्यादा है नहीं, लेकिन वही बात है कि तेजी हो चुकी है। वहीं पे अगर देखेंगे यहाँ पे तो कुछ लार्ज डील भी इसमें हो रही हैं, तो ये क्राइटेरिया भी फिल कर रहा है कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग इसमें खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, जो मैं आप लोगों को पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसका बताया भी था कि बहुत सारे लोग जो है 1 किलो जैसे हाथी प्राइवेट बाय भी कर रहे हैं, और हाथी प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो सेल भी कर रहे हैं, तो इस तरह से एक एक ही लोग जो है ग्राविटन भी यहाँ पे है, ग्राविटन एलएलपी यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आप लोग तो मतलब सेम टू सेम एक ही लोग बाय एक ही लोग सेल कर रहे हैं सेम डे में, तो ये भी एक मैनिपुलेशन का ही काम होता है, तो इस वजह से भी इसको एसएनपी लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा। टारगेट अचीव हो गया है हम लोगों का, टारगेट जो मैं आप लोगों को 26 रुपये का टारगेट दिया था, और अभी कल भी बोला था, परसों भी बोला था, कई दिन से बोल रहा था आप लोगों को जब से एसएम लिस्ट से बाहर आया था कि इसमें तेजी आएगी, 26 27 27 रुपये तक, तो मतलब 24 रुपये और 26 रुपये तक टारगेट दे देगा फिलहाल में, उसके बाद यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, ये दोनों लाइन जो है ना अभी ये जोन के तौर पे काम करेंगी, अगर यहाँ पे रेंज बन जाता है तो मतलब कैंडल रेड बन जाती है एक भी, तो ठीक है ना, ये एक रेंज के तौर पे काम करेगा, फिर इस रेंज के ऊपर ऊपर सस्टेन करके फिर अगला ब्रेकआउट देगा, तो ये ऊपर साइड में जो ये वही लाइन मैं ड्रॉ किया हूँ 34 रुपये का, इसके लिए जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके इस तरह से एक मोमेंटम आने की संभावना है, तो देख लीजिएगा आप लोग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, अब खरीदारी करना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन क्या करेंगे, आप लोग चाहो तो 24 रुपये के नीचे का इसमें स्टॉप लॉस रखते हुए खरीदारी छोटी सी कर सकते हो, बाकी बड़ा स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करना है, 24 रुपये जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए, 24 रुपये पे आप सबको स्टॉप लॉस रखना है, और 33 रुपये के आसपास का इसमें टारगेट मिलने की संभावना है, समझ में आ गया, लाइक करिएगा वीडियो, ठीक है ना।